क्या आपने कभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का नाम सुना है? ये भारत के सर्वश्रेष्ठ सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूट में से एक है और यहाँ से खबर आ रही है कि छात्र संघ अध्यक्ष प्रतीक परमे को संस्थान ने उनके अनुचित पहनावे को लेकर एक कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। प्रतीक ने इसे उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। सार्वजनिक तौर पर खुद को क्वीर बताने वाले प्रतीक टिस छात्र के संघ के पहले क्वीर अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि यह घटना 25 मार्च की है, जब इंस्टीट्यूट के परिसर में अंबेडकर नेशनलिज्म पर डिबेट हो रही थी और जैसे ही प्रतीक वहां पहुंचे तो उनको उनके पहनावे की वजह से प्रवेश नहीं मिला। इस पूरे मामले पर प्रतीक का कहना है कि एक स्वदेशी और आदिवासी व्यक्ति होने के साथ साथ वो एक समलैंगिक भी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी समलैंगिकता के कारण उनको प्रवेश नहीं दिया गया है। मामले में TISS के एक प्रोफेसर ने कहा कि TISS शायद देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल है। प्रोफेसर ने कहा कि TISS सभी जेंडर का आदर करता है और हमेशा से छात्रों को सुरक्षित महसूस करवाने में मदद करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बात का कोई भी सबूत मिला तो उसकी गहनता से जांच की जाएगी, साथ ही इंस्टीट्यूट के अच्छे माहौल को बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।